टॉपिक है आर्बिट्रेज। पता है आर्बिट्रेज क्या होता है? कभी सुना है आर्बिट्रेज के बारे में? यस और नो? नहीं सुना है? ओके, तो एकदम सिंपल है। आर्बिट्रेज इज नथिंग बट इट इज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। क्या होता है? एक ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है, राइट? जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं ना, बाइंग एंड सेलिंग, तो आर्बिट्रेज भी बाइंग एंड सेलिंग ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। अब आप बोलेंगे सर बाइंग एंड सेलिंग है तो इसको आर्बिट्रेज क्यों बोल रहे हैं? तो नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस होता है और आर्बिट्रेज में डिफरेंस होता है। तो क्या होता है? सबसे पहला अगर कोई पूछे कि आर्बिट्रेज मतलब क्या है, तो इट इज़ ए ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो देखो पहला दिया है इट इज़ ए ट्रेड एक्टिविटी। तो सबसे पहले आर्बिट्रेज एक ट्रेड एक्टिविटी होता है जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं, बाय और सेल करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल बाय और सेल से कैसे डिफरेंस है? तो यहाँ पे दिया है इन आर्बिट्रेज थिंग्स लाइक सिक्योरिटी, करेंसी और कमोडिटी आर बॉट एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट मार्केट। ये डिफरेंस है। मतलब आर्बिट्रेज में क्या होता है कि चीज़ों को आप खरीदते भी हो और बेचते भी हो, लेकिन साथ में, और कहाँ पे? डिफरेंट मार्केट में। एक ही टाइम पे आप इसको खरीदते भी हो, एक ही टाइम पे इसको बेचते भी हो, डिफरेंट मार्केट में। तो बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये इसीलिए बेचा और खरीदा जाता है जिससे कि अगर किसी मार्केट में कुछ डिफरेंस हो तो उससे हम लोग को प्रॉफिट मिल सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में कोई करेंसी, समझो गोल्ड ले लो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ गोल्ड, सिर्फ समझाने के लिए याद रखना, गोल्ड है। तो गोल्ड समझो $100 का मिल रहा है, $100 का मिल रहा है 1 ग्राम। एक तोला ले लो, ऐसा इतना तो सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन एक तोला $1,000 का मिल रहा है एक तोला, ओके। और सेम अगर आप डॉलर का रेट चल रहा है 1,120 डॉलर इन यूएसए, तो यूएसए में आप खरीदते हो तो आपको $1,120 देना पड़ता है, और इंडिया में अगर आप खरीदते हो तो आपको कितना? $1,000 देना पड़ता है। तो ये आपका इंडियन का रेट है, ये आपका यूएसए का रेट है, तो आप देख सकते हो ना। तो आप इंडिया में उसको खरीदोगे और यूएस में जाके उसको क्या कर दोगे? क्या कर दोगे यूएस में जाके? क्या करोगे? इंडिया में उसको परचेस किया और यूएस में जाके उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया सेम टाइम पे। अभी आप बोलेंगे ये सर कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबिलिटी है, ऑनलाइन के थ्रू हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आर्बिट्रेज में क्या होता है। आप खरीदते भी हो बेचते भी हो डिफरेंट मार्केट में साइमेंटेनियसली, एक साथ, यहाँ पे खरीदा और वहां बेच दिया। तो आप ऐसा बोल सकते हो जैसे करेंसी है, तो यहाँ इंडिया में $1 इज इक्वल टू 74, एग्जाम्पल के तौर पे। $1 को अगर आप खरीदोगे तो 74 देना पड़ता है, लेकिन कहीं दूसरे मार्केट में $1 इज इक्वल टू 75 चल रहा है, राइट? तो मैं यहाँ से खरीदूंगा 74 में, है ना, और कहीं और दूसरे करेंसी में, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे मतलब 73 रुपीज़ के अंदर ही मेरे को $1 मिल जाता, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? $1 सेवेंटी फाइव में कहीं मिल रहा है, तो $1 यहाँ पे मैं खरीद लूँगा 73 में, और बाहर कहीं जाके वो डॉलर को बेच दूंगा जहाँ पे 75 चल रहा है। तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो सिर्फ मैं आपको इंडियन रुपी के हिसाब से समझा रहा हूँ। मतलब प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को क्रैक करने के लिए हम लोग एक ही टाइम पे उसको खरीदते भी हैं और सेम टाइम पे उसको बेच भी देते हैं। तो कहाँ खरीदते हैं? जहाँ पे रेट कम चलता है वहाँ से हम लोग खरीदते हैं वो मार्केट से, और जहाँ पे इसका रेट ज़्यादा है वहाँ उस मार्केट में उसको बेच देते हैं। तो जो भी डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट के तौर पे हम लोग को मिलता है। तो आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है। तो इसको नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग आर्बिट्रेज बोलेंगे। तो नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग में क्या होता है कि आप खरीदते हो बेचते हो, लेकिन आर्बिट्रेज में साइमल्टेनियसली आप खरीदते हो और साइमल्टेनियसली आप बेच देते हो। आया समझ में? समझा कि नहीं समझा?
फिर देखो इसके आगे दिया है, द मेन पर्पज ऑफ आर्बिट्रेज इज टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइसेज ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट मार्केट। एक ही कमोडिटी का या एक कोई चीज़ है जिसके में आप डील कर रहे हो, उसके अंदर डिफरेंस होता है प्राइसेस में। यहाँ पे कहीं कुछ और प्राइस दिया, कहीं और उसका कुछ और प्राइस दिया है, तो हम लोग यहाँ से खरीदते हैं वहाँ बेचते हैं। तो आर्बिट्रेज का जो मेन पर्पज़ होता है वो एडवांटेज लेना होता है, किसका, डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ थिंग इन डिफरेंट मार्केट। जो जो डिफरेंस होता है प्राइसेस में उसका बेनिफिट लेने के लिए हम लोग आर्बिट्रेज करते हैं। तो द मेन पर्पज ऑफ आर्बिट्रेज इज टू टेक एडवांटेज। नेक्स्ट बोला है आर्बिट्रेज इज अंडरटेकन ऑन लार्ज स्केल इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो मोस्टली ये ज़्यादातर कहाँ पे लिया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लिया जाता है। अब आप बोलेंगे सर मैंने $1 खरीदा 73 रुपीज़ में, मतलब 73 रुपीज़ दिया और $1 लिया, और सेम मैं US में जाके वो डॉलर को बेच दिया तो वहाँ से मेरे को 75 रुपीज़ मिला, तो आप 2 रुपये के लिए ये नहीं करोगे, है ना। या 2 रुपया तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत डिफरेंस का खेल होता है। यहाँ पे आपने इंडिया में ख़रीदा 73.10 और आपने इसको बेचा US में 73.20, तो 10 पैसे का डिफरेंस आता है। अब 10 पैसे के लिए आप डील नहीं करोगे, तो आपको ये ट्रांजैक्शन मिलियंस में करनी होगी, करोड़ में करनी होगी, समझ रहे हो, तब जाके इसका जो बेनिफिट होगा वो ₹1,00,000 या ₹2,00,000 मिलेगा। $1 को बेचने खरीदने पे 10 पैसा मिलेगा तो वो थोड़ी ना बेनिफिट है, आया समझ में। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये लार्ज स्केल पे होती है, स्मॉल स्केल वाली ट्रांजैक्शन नहीं होती। $1 $2 को बेचने पे प्रॉफिट नहीं होगा आपको, कितना मिलियंस में करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ ₹1,00,000-₹2,00,000 छूटेगा, समझ में आया। तो जो आर्बिट्रेज होता है ये स्मॉल स्केल पे नहीं किया जाता है, ये आपका लार्ज स्केल पे किया जाता है। क्लियर है सबको, समझ में आया। आगे देखो दिया है, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दो टाइप का आर्बिट्रेज होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, पहला एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज, दूसरा इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस होता है उससे जो बेनिफिट लिया जाता है उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। कहीं पे इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे इंटरेस्ट कम है, उस हिसाब से जो आर्बिट्रेज लिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। तो दो टाइप का होता है, एक एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज होता है और दूसरा इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज होता है। नेक्स्ट देखो एक्सचेंज रेट, उसका मीनिंग बताया, एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज एज द नेम सजेस्ट, आर्बिट्रेज मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट इन एक्सचेंज रेट ऑफ डिफरेंट करेंसी इन डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो डॉलर का रेट अलग अलग चल रहा है, इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, चाइना में अलग है, तो उसका अगर बेनिफिट लेना है तो हम लोग एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज को यूज़ कर रहे हैं। तो जब करेंसी में डील होती है तो एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज कहा जाता है, और जब इंटरेस्ट में डील होता है तो इसमें मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि समझो आपने कुछ बॉन्ड खरीदा या कोई इंटरेस्ट रिलेटेड खरीदा जिसका इंटरेस्ट इंडिया में कम है और सेम सिक्योरिटी का इंटरेस्ट ज़्यादा है इंडिया के बाहर, तो वी विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। तो मतलब जहाँ पे एक्सचेंज रेट से रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। ठीक है, फिर आगे इसका 2 पॉइंट दिया है एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज को, इंटरेस्ट रेट आगे आएगा। अभी एक्सचेंज रेट को इन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है 2 पॉइंट आर्बिट्रेज और दूसरा होता है 3 पॉइंट आर्बिट्रेज। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो याद रखना 2 पॉइंट आर्बिट्रेज और 3 पॉइंट आर्बिट्रेज।